हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है। खास क्या है आज के इस वीडियो में, आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो डेटा हमारे पास मौजूद है, ये डेटा देखिए, इन सभी डेटा पर मैंने फॉर्मूला लगा रखा है। आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, लेकिन आप कहेंगे कि देख तो रहा नहीं है, तो फिर आपने फॉर्मूला कैसे लगाया, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, इस पर मैंने प्रोटेक्शन लगा रखा है, इस पर मैंने कुछ ऐसे कंडीशंस लगा रखे हैं, इस पर मैंने कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया है कि ये फॉर्मूला जो है हाइड हो गया है। अब इसको अगर आपको शो करना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से अनप्रोटेक्ट कर दीजिए शीट को। तो यहाँ पर मैंने जो पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ रेड बिटवीन का फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर F2 प्रेस करके भी आप देख सकते हैं फॉर्मूला लगा था कि नहीं लगा था। अब मान लीजिए कि यही फॉर्मूला आपको दूसरे शीट पे अप्लाई करना है, तो आइए चलते हैं दूसरे शीट पर, देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ रेड बटन, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं रेड बटन पे लगा देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। तो ये मैंने लगाया, एंटर प्रेस किया, तो ये एक नंबर यहाँ आ गया, देख सकते हैं एक नंबर आया ना। अब ये इतना मैंने इसको यहाँ पर ट्रैक कर दिया तो यहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे अलग अलग, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ फॉर्मूला ही लगा हुआ है, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, पहला दूसरा और तीसरा, ये अभी तो पहले सब पर मैं बॉर्डर बना लेता हूँ। तो यहाँ होम टैब पे जाकर के, और यहाँ से आप बॉर्डर बना सकते हैं या शॉर्टकट की अल्ट HBA का भी यूज कर सकते हैं। अभी क्या करना है आपको, सिलेक्शन में लेना है इस पार्ट को, जितने भी पार्ट पर आपको ये करना है फॉर्मूला हाइड करना है, जिस भी पार्ट पर। अब देखिए पूरे में तो फॉर्मूला लगा हुआ है, तो जिसमें भी हाइड करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं पूरे को हाइड करना चाहता हूँ, इस शीट पर जो भी फॉर्मूला लगा हो उसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो आप इसको पूरे को सिलेक्शन में लीजिए, कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस कीजिएगा, अल्फा न्यूमेरिक की 1, ठीक है। तो ये 1 प्रेस करते ही ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे लॉक्ड पे टिक है, ये हटा दीजिए टिक और यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है, ओके कर दिया। अब आपको कंट्रोल बटन प्रेस करना है, कब, जब इस पार्ट को आप इस तरह से सिलेक्शन में ले लेंगे तो कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिए। अब कंट्रोल बटन प्रेस करके करना क्या है, देखिए एक बार आप कंट्रोल प्रेस कर लीजिए और फिर सबको सेलेक्ट करते जाइए, तो एक ही साथ सब सेलेक्ट होता चला जाएगा, ठीक है। पूरा डेटा सेलेक्ट कर लिया, अब करना क्या है, यहाँ पर आपको राइट क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल के साथ 1 बटन प्रेस करके पर आ जाइए यहाँ फॉर्मेट सेल्स पर। जैसे ही आएंगे तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, वापस से ये जो टिक हटा दिया था आपने, ये टिक लगा दीजिए, लगा दिया, ओके कर दीजिए। अभी आपका कोई भी फॉर्मूला हाइड नहीं हुआ है, आप देख ही सकते हैं। अब क्या करना है, कैसे हाइड होगा, ये हाइड करने के लिए आपको फिर वापस से शीट को लेना है सिलेक्शन में और यहाँ से रिव्यू टैब पर चला जाइए और इस शीट को प्रोटेक्ट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। इन दोनों पर टिक रहने दीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है सेलेक्ट लॉक्ड सेल और ये लिखा हुआ है सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल, ठीक है। तो इसको दोनों पर टिक रख करके और यहाँ पर पासवर्ड डाल दीजिए, कोई ये पासवर्ड डाल दिया हमने और इसी पासवर्ड को री एंटर करना है, बस ये रीएंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला हो चुका है गायब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।